ऐसा राष्ट्र नहीं है जैसा कि हम आज प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। विश्व भर में ऐसा कोई राष्ट्र नहीं है जिसकी गोद में महाराष्ट्र हो, वो हमारा देश है। हमारी गोद में महाराष्ट्र रहता। तो इन शब्दों के साथ इस गौरवपूर्ण संस्था के जो संगठन हुआ है वो बहुत ही सुंदर संगठन हुआ है और आई लोग सब आए हैं। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि एक टीले की जगह पर्वत खड़ा हो जाएगा, राष्ट्र का अमृत कलश जिसका भरा हो जाएगा। हमने सपने सोचा न था कि वृक्ष उसका क्या है, वृक्ष क्या वृक्ष ये विचार चल रहा है। तो मैं भाई देखो अब मैं सीधी सी बात कह दू, मैं अब दर्शनी हिंदी हूं, इसको बनाया नहीं जा सकता। लेकिन एक बात मैं आपसे कहता हूँ, विद्वानों ने ये ध्यान नहीं दिया कि संस्कृत अब भी आज मिटने की अवस्था में होते हुए, मैं कहना चाहता हूँ कि संस्कृत का शास्त्रार्थ का एक सभा अवश्य स्थापित कीजिए। जो संस्कृत के विद्वान लोग बहुत से हैं यहाँ पर जुड़ंती आए हुए हैं, उसका आधिपत्य रहे और आप चला सकें। एक मेरे सामने प्रश्न आया, सर्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा का कौन मैं हूँ? अच्छा, मैं धर्मारी सभा का अध्यक्ष हूँ। पुस्तक के विषय में कहिए। हाँ, तो उसकी पुस्तक पूर्णतया तैयार हो चुकी है, किन्हीं कारणों से हमने उसको प्रकाशन में नहीं लाए। हम किसी क्योंकि हमारी सभा किसी धर्मारी सभा किसी कंट्रोवर्सी में नहीं है, केवल सत्य के साथ है और वो महर्षि दयानंद का पालित सत्य ये आज प्रकट हो रहा है। ऐसे अवसर पर मैं चाहता हूँ शीघ्र आपसे उसके प्रकाशन का प्रबंध किया जाए।